वक्फ अदालत और आवाम के सवाल सीरीज के तीसरे एपिसोड में यादगी डिस्ट्रिक्ट सुरपुर की बड़ी मस्जिद के मुतवली के खिलाफ कुल 118 एकड़ वक्फ की जमीन में गबन करने का इल्जाम लगाया गया है। सुरपुर में कदीम मस्जिद है जो गजेट नोटिफाइड वक्फ इदारा है और इसके अंडर जबरगी तालुका अंदोला विलेज में सर्वे नंबर 218, 219, 220 और 221 में कुल 118 एकड़ वक्फ की जमीन मौजूद है। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए चल रहे वक्फ अदालत और आवाम के सवाल सीरीज को देख यादगी डिस्ट्रिक्ट सुरपुर से नदीमुल्ला हुसैनी इनामदार अब्दुल खादर लॉयन महबूब साहब बड़े खुरेशी ख्वाजा हुसैन गुनगुंडी के अलावा मौला अली सौदागर सादिक हुसैन और दीगर बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुसल्ली गुलबर्गा हेडलाइंस की ऑफिस को विजिट कर बड़ी मस्जिद के मुतवल्ली के करतूतों का पर्दाफाश किए हैं। सुरपुर बड़ी मस्जिद के मुतवल्ली सिराजुद्दीन तीरंदाजी के खिलाफ ये इल्जाम है कि इन्होंने जबरगी तालुका अंदोला विलेज में मौजूद बड़ी मस्जिद की 118 एकड़ जमीन में से आधे से ज्यादा जमीन अपने भाई बीवी और दीगर रिश्तेदारों के नाम कर उनके जरिए वक्फ की जमीन सेल कर रहे हैं। गुलबर्गा में रखे गए वक्फ अदालत में सुरपुर से तमाम जिम्मेदार यादगीर वक्फ बोर्ड के जरिए टोकन नंबर 1 के तहत गुलबर्गा को विजिट कर बीजर जमीर अहमद खान को शिकायत दर्ज कराए हैं। इन सभी लोगों का कहना है कि यह आजकल का मामला नहीं है, ये पिछले कई सालों से दीमक की तरह मुतवली सिराजुद्दीन तीरंदाजी बड़ी मस्जिद की वक्फ प्रॉपर्टी को बेच करोड़ों रुपये हजम कर रहे हैं। कई बार मुतवली के खिलाफ शिकायत की गई पर वक्फ बोर्ड खामोश तमाशा देख रहा है। बड़ी मस्जिद के अतराफ कुल 5 इलाकों से लोगों ने अपने नाम और सिग्नेचर के साथ शिकायत कर मस्जिद के मुतवली सिराजुद्दीन तीरंदाजी को हटाकर किसी और को नया मुतवली बनाने का मुतालिबा किया है और यादगीर वक्फ बोर्ड ने स्टेट बोर्ड को मुतवली के खिलाफ लेटर भी लिखा और स्टेट बोर्ड ने एक मीटिंग ली पर इसके बावजूद अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हद तो इस बात की है कि कुछ दिन पहले बीजर जमीर अहमद खान ने भी तमाम शिकायतों को देख स्टेट सीईओ को यह ऑर्डर किया था कि जल्द मुतवली को हटाया जाए पर उसके बावजूद आज तक उस मुतवली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन लोगों ने कहा मुतवली सिराजुद्दीन तीरंदाजी के खिलाफ सिर्फ बड़ी मस्जिद की जमीन बेचने का इल्जाम नहीं है बल्कि मुतवली सिराजुद्दीन ने बड़ी मस्जिद के बिल्कुल करीब मौजूद एक जमीन पर शादी महल बनाने का वादा कर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कुल 10 लाख रुपया लेकर हजम किया है। अगर आज यहां शादी महल बनाया जाता तो आसपास के इलाकों में मौजूद गरीब मुसलमानों की शादियां आसानी से हो सकती थी पर अफसोस मुतवली सिराजुद्दीन पूरा पैसा हजम कर चुके हैं। और इसके अलावा मजीद इन लोगों ने कहा मुतवली सिराजुद्दीन तीरंदाजी ने बड़ी मस्जिद की जमीन बेचने और शादी महल का पैसा हजम करने के अलावा अरबिक स्कूल के नाम पर कंप्यूटर स्कीम के तहत 5 लाख रुपया लेकर हजम किया है। मुतवली सिराजुद्दीन तीरंदाजी के खिलाफ ऐसे कई घोटालों का इल्जाम है जिसको सुन आप अफसोस करेंगे कि ऐसे लोग दाढ़ी और टोपी पहनकर मुतवली बन गरीबों का हक मार रहे हैं। इस वीडियो में नजर आ रहे तमाम लोग पिछले कई सालों से मुतवली के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और इसके अलावा एक और अफसोस की बात यह है कि मस्जिद की करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद मुतवली ने मस्जिद के डेवलपमेंट के लिए अब तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। इस कदीम मस्जिद के कमजोर दीवारों को देख इन सभी लोगों के साथ मस्जिद के आसपास मौजूद 5 इलाकों के लोगों ने चंदा कर मस्जिद को दोबारा तामीर किया है। यादगी डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के जरिए टोकन नंबर 1 के तहत इन लोगों ने गुलबर्गा में हुई वक्फ अदालत में बीजर जमीर अहमद खान को तमाम सबूतों के साथ मुतवली सिराजुद्दीन तीरंदाजी के खिलाफ शिकायत की है और ये इंतजार कर रहे हैं कि जमीर अहमद खान ने 1 महीने के अंदर एक्शन लेने का वादा किया था। मजीद इस मामले में यादगी डिस्ट्रिक्ट सुरपुर के लोगों ने क्या कहा जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, हम यादगी डिस्ट्रिक्ट सुरपुर तालुक से आए हुए हैं कि बड़ी मस्जिद शोरापुर का ये जो मसला है बड़ी मस्जिद के तहत 118 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो जेवरगी तालुका आंदोला में है। वो 118 एकड़ ज़मीन यहाँ के जो मुतवली सिराजुद्दीन तीरंदाज हैं उन्होंने वो वक्फ की ज़मीन को अपने भाइयों में अपने बीवी में अपने रिश्तेदारों में ट्रांसफ़र करके वो ज़मीन दूसरों को बेच दिए हैं। वो सेल डीड कापियाँ वगैरह पूरे हमारे पास मौजूद हैं, क्या सब सेल डीड वगैरह सब मौजूद है। इस सिलसिले में हम वक्फ बोर्ड को लिखे, वक्फ बोर्ड के सदर साहब को जाके यादगीर मिले, कई ओबर साहब आइए हमारी मस्जिद में बहुत बड़ा मसला है, ये ऐसा है उन्होंने मुतवली साहब पैसे खाए ज़मीन खाए सब करके बैठे, कुछ भी मस्जिद का काम हो रहा नहीं, अब मस्जिद में सब लोग अवाम यानी जमात वाले सब परेशान हैं, आप आइए जरा आके मस्जिद को आए आओ बोले तो ठीक है आप तो बोले। जब उन्होंने आने के लिए तैयार होना जहीर साहब और उनके जो भी मेम्बरान वाइस प्रेसिडेंट वगैरह तो उनके आने के लिए यहाँ से वहाँ से बेंगलुरु से गुलबर्गा से फ़ोन आके नहीं आना आप सुरपुर को नहीं आना ऐसा रुका रहे थे कौन मुतवली साहब लोग रुका के उनको कईयों बार आने के लिए रोके। फिर उसके बाद एक कई गुंडों से उनको फ़ोन कराए कि तुम सुरपुर आके देखो बोल के कौन मुतवली साहब तो हम बोले आइए साहब इंशाल्लाह हम लोग आए खैर हमको मारने के बाद आपको मारने आओ आप बोल के मस्जिद को आए बैठे उन्होंने भी थे तो उन्होंने मुतवली साहब बोल रहे आप किसकी
परमिशन से आए मस्जिद में, पूछे सदर साहब को और बोर्ड के मेम्बरान को किसके परमिशन लेकर आए तुम्हें, तो उन्होंने बोले नहीं नहीं हमको किसी नहीं, इन लोगों का आपके लोगों का सबका एक ये था, हमारे पास आओ साहब हमारी परेशानी है बोल के एक लाए मेमोरेंडम दिए थे, उसलिए हम लोग आप पूछने आए हैं, तो तुम वक्फ कानून पढ़ के आए क्या बोल के पूछे उनको सदर साहब को, वो वक्फ कानून बाद में पढ़ेंगे कहते तुम्हारे को देखेंगे बोलते, बोले उन्होंने प्रॉपर्टी तो वो प्रॉपर्टी बोर्ड को आप समझा दिए, शुक्रिया आप लोगों का जमात वालों का, हम वक्फ बोर्ड वाले जिम्मेदार हम लोग उसका इंतजाम हम कर लेते हैं बोल के बोले। बोलने के बाद हम रिकमेंड करें बाद में ये फैसला बोर्ड में रखे, यादगीर से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से रिकमेंड करके भेजे, सदर साहब वगैरह मिलके बोर्ड को भेजे कि मुतवल्ली रहने के काबिल नहीं है, हम लोग मस्जिद में जाके जायजा लिए, इनको निकालना है बोल के उनको रिकमेंड करके भेजे। बोर्ड में मीटिंग हुई कि इतनी ज़मीन फ्रॉड करे सो इनको फौरी निकाल दो बोल के, तो वहाँ से भी अभी पेंडिंग है, उनका मुतवल्ली भी निकाले नहीं, इसके ऊपर एक्शन भी ले लिए। तो उसके बाद फिर 6 तारीख को इसी महीने के सितंबर की 6 तारीख को विधानसभा में ज़मीन हमारे साथ मीटिंग लिए, तो यादगीर के एक एक डिस्ट्रिक्ट वालों का एक एक मसला था, हमारे यादगीर डिस्ट्रिक्ट से ये मसला उठा, तो उन्होंने जिलानी साहब उनके जो सीवा हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि जिलानी साहब फौरी मुतवल्ली को रिमोल कर दो, ये पूरी ज़मीन बेच को खा रहे जी मस्जिद भी बेचेंगे पहले से निकाल दो बोल के बोले। बोलने के बाद वहाँ से भी कुछ भी नहीं हुआ, तो परसों जो 18 तारीख को गुलबर्गा में विंटेज फंक्शन हॉल में यानी ये वक्फ अदालत थी, वक्फ अदालत में भी हम सीधा डायरेक्टर हमारा टोकन नंबर 1 था यादगीर से, हम लोगों को ऊपर बुलाए स्टेज पे, हम मुतवली हमारे जमीर अहमद साहब को हमने मेमोरेंडम दिया कि साहब इतनी बड़ी ज़मीन इन्होंने फ्रॉड किए हैं, इनको फौरी मुतवली से निकाल दो बोल के बोले सब अच्छी बात है, उन्होंने बिल्कुल हम उसके लिए एक्शन लेंगे, 2-4, 8 दिन 15 दिन के अंदर हम एक्शन लेते बोल के बोलकर गए हैं साहब। अल्लाह का घर की ज़मीन है, अल्लाह के को हाजिर नाजिर जानते हुए ये काम होगा हमारे फैसले में बोल के उम्मीद अल्लाह से भी है, ज़मीर अहमद साहब से भी है और सरकार से भी है। वहाँ शोरापुर में बड़ी मस्जिद के बाजू थोड़ा जगह है साहब, वो गुलबर्गा से 16/6/2009 में 5 लाख शादी महल बना तुम बोले, हम समझे बड़ी मस्जिद शादी महल बोल को अपना तीरंदाज बोल को रखे, वो कुछ भी काम नहीं करे, 15 साल के बाद 2024 में यादगिरी में जाकर वहाँ 5 लाख उठाएं, शादी महल कुछ कुछ भी नहीं करे काम, उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले परसों नोटिस दिए तो उनको काम चालू है कर बोलो बोल रहे तालुका ऑफिसर को, ऐसा उसमें गफला करें। इससे पहले जो है वहाँ अरबी स्कूल बोल को रजिस्ट्रेशन करें सब, वो स्कूल के लिए बच्चे जो गवर्नमेंट 2019-20 में वो कंप्यूटर से एजुकेशन देना बोल को एक स्कीम करे थे, 5 लाख रुपए पुराना रजिस्ट्रेशन से लेकर एक सेट बना को कंप्यूटर रखे, थोड़े दिन में बेच को खाक छोड़े, कुछ भी नहीं हो रहा, बच्चों को अरबी तालीम हो रहा ना, गरीबों को जो है वहाँ शादी करने के लिए तकलीफ है, बाजू नीचे रंगम पेट बोल के वहाँ जाना पड़ रहा हम लोगों को, वो फिक्र से हम यहाँ तक आए सो, जमीर अहमद साहब को भी बोले और सब तरफ भी लिखे सो, वो फिक्र से हमारा पर्सनल कैबिनेट है। आज तक जो भी है मजीद जो भी खर्चा करे, हमारे बड़े कुरेश ठेर के काम करे, जो भी है हम चंदा पट्टी करके मस्जिद बनाए, एक मोहल्ले वाले ने 5 मोहल्ले वाले मिलके बनाए, आज 118 एकड़ में 1 रुपया नहीं, 1 पत्थर नहीं लगाया, पत्थर 1 पत्थर नहीं लगाए और उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया। अस्सलाम वालेकुम, और बड़ी मस्जिद के 118 एकड़ ज़मीन है और आज तक जो ज़मीन के पैसे से 1 पत्थर भी मस्जिद को नहीं लगाए उन्होंने, अब जो भी हम कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन वहाँ हर गाँव में कंट्रीब्यूशन लेकर वोट आउट रखकर करे, और बड़े खुशियाँ कम से कम 10-15 लाख रुपये उन्हें कंट्रीब्यूशन करके दी, और ये हम बाकी के सब जने करे सो आज तो जमा से ये करे सो, आज तक उन्होंने 1 पैसा भी नहीं लगाया, क्या भी नहीं लगाया, और उर्दू स्कूल बोल के भी पैसा वसूल करे, आशर खाना है बोल के भी पैसे खाए, गरीबों की शादी करते बोल के भी पैसे उठाए, कुछ गरीबों को शादी करे ना गरीबों को क्या भी नहीं करे, और मोहर्रम में दूध और खजूर वो अगर बांटते हमें बोल के ये पैसा उठाए, वो भी क्या रास्ता का, मैं 1 रुपया देखने उनको 1 दूध देखने, किसी के गरीब की शादी नहीं करे उन लगा, खाओ भी झूठ बोलना पैसे लेना, झूठ बोलना पैसे लेना, और हैदराबाद बॉम्बे हर जगह जाके जा जाके मस्जिद बंद कॉन्ट्रेक्शन करे उन लगा, वो मस्जिद को नहीं लगाए, हाँ कम से कम 10-15 लाख रुपये तो रखा है, अगर पैसे पूछे तो वो क्या करे बोल बोलते, तो चप्पल पहन कर तो साहब वो नाक पूछे साहब हमें खाए बोल बोलते।
उनको पैसे, वो पैसे क्या करे, पीछे तो धारा खेलते जूते पड़े थे, जूते लेते आपको चप्पल जूते साफ करते साफ, हमें नाक पूछे साफ है, खाई साहब बोल, अब उसको जॉब क्या देना हम लोग। वक्फ अदालत में जो रिजल्ट जमीर अहमद साहब को तफसील बात करने का मौका नहीं मिला, ये हम बात करने का मकसद ये है कि ये वक्फ की ज़मीन बचाना है, अल्लाह के घर की मस्जिद की ज़मीन है, ये ज़मीन को बचाना है, और इसके इनके जो मुतवली हैं जो फ्राड करें वो मुतवली को फौरी बर्खास्त कर दो, निकाल दो, बोल के हम उनको मेमोरेंडम दिए हैं, कसम खाएं एक महीने के अंदर जमीर अहमद साहब ये सालों करते थे वक्फ का, जो भी जमीनात वगैरह जो भी घपले हुए हैं वो सब कुछ सीधा करता हूँ बोल के तो बोले हैं। फिर भी उम्मीद है 10-15 दिन में, अब तक तो कुछ भी नहीं हुए, आगे और 15 दिन भी है, उम्मीद है उनसे कि ये जो जो मुतवलियाँ ये ज़मीना वक्फ बोर्ड के जमीनात अपने नाम से करने के आप उसके मालिक बन के बैठे हैं, उनके ऊपर कानूनी तौर पे एक्शन लेना कैसा, या तो जमीर अहमद साहब को वहाँ तक जाके नहीं, हम ये गुलबर्गा हेडलाइंस वाले जो हम लोगों के सुन के वहाँ जमीर अहमद साहब तक सरकार तक ये हमारी रिक्वेस्ट पहुँचा दिए तो बड़ी मेहरबानी होगी बोल के उनके पास आए सर।